तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जय जी, जमशेदपुर साक्षी से एक खबर आ रही है, दुकानदार किसी से नाराज है, क्या नाराजगी है इनका और किससे नाराज है ये दुकानदार? जी जी देखिए, हाँ बिल्कुल, आपको बता दें जमशेदपुर के साक्षी सालिनी मार्केट के पीछे मूली लाइन का इलाका है, जहाँ लोग पूजा का भी सामान खरीदने के लिए उस जगह पे आते हैं। वहाँ पर करीब 3 साल से लगातार दुकानदार जितने हैं 20 से 25 दुकानदार काफी परेशान हैं, लोगों को दुकान में कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है ठीक से, और साथ ही साथ कुछ दुकानों को तो लोग बंद भी कर दिए वहाँ के समस्याओं को लेकर के। जो मामला ये आया है सामने, 2-3 कोई होटल है, उन लोगों ने बताया जा रहा, जैसे हमने दुकानदार से बात किया है, उन लोगों ने रातें रात वहाँ पर एक अपना होटल का गंदा पानी बहाने के लिए रातें रात इन लोगों ने गड्ढा खोद दिया था, जिसको लेकर के वहाँ पर हमेशा गड्ढा पूरा खोदा हुआ है, रोड सड़क जो रास्ता है वो पूरा खराब हो चुका है बरसात के कारण, और उस रोड को बनाया भी नहीं जा रहा है। इन लोगों ने लगातार आपके नोटिफाइड में मानगो में सॉरी माफ फरमाइएगा साक्षी में नोटिफाइड में इन लोगों ने कंप्लेन किया है, उसके बाद साथ ही साथ डीसी साहब को भी किया है, एसडीओ साहब को भी कंप्लेन किया है। इन लोगों का समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, 2-3 होटल की वजह से ये 20-25 दुकान काफी परेशान है। तो इस मामले को लेकर के आज इन लोगों ने फिर से एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है और कहा है इन लोगों ने हम लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, दूर नहीं किया जाएगा, सड़क जो है नहीं बनाया जाएगा वहां पर। तो इस मामले को लेकर के हम लोग फिर आगे जाकर धरना भी दे सकते हैं डीसी कार्यालय के बाहर। जी जी धन्यवाद जाहिद जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। सिलैनी मार्केट के पीछे मूढ़ी लाइन है और इस लाइन में ये रातों रात 2-3 होटल वाले मिलकर खोद दिए हैं, आज 3 साल से हम लोग परेशान हैं, और इस पानी में गंदा गंदा पानी भी आता है, शौचालय भी है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पूजा प्रसादी का भी सामान बिकता है। आज इस हालत को 3 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 8 से 10 दुकान बंद हो चुका है, इस परेशानी से दुकान खोल के हट चुका है। हम लोग डीसी साहब को भी कंप्लेन किए, जेनेसी में भी कंप्लेन किए, जेलेंसी से आते हैं कुछ लोग, देखते हैं चले जाते हैं, और एसडीओ साहब को भी कंप्लेन किए, 3 साल से सबको कंप्लेन किए, आज फिर कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग, और इससे हम लोग तंग आ चुके हैं एकदम, अब नफसी नफसी का हालत हो चुका है, दुकान पूरा बंद हो चुका है, और ये देख लीजिए खुद आप अपने से देख सकते हैं, और आके उच्च अधिकारी भी आके देख सकते हैं, 20-25 दुकान का ये मसला है, सुनवाई कुछ नहीं हो रहा, और हम लोग नफसी नफसी हालत पे आ गए हैं, कुछ लोग तो दुकान बंद करके चल गए हैं, देख लीजिए दुकान बंद है, दुकान बंद होकर चल गए हैं। क्या दिक्कत का सामना, ये मार्केट का बीच लाइन है, फर्स्ट लाइन है मार्केट का, सबसे फर्स्ट लाइन है ये लाइन, सबसे खराब लाइन यही है, अभी लोग आने जाने यहाँ ज्यादा है, लोग अगर पानी निकलता है, अगर बोलने जाने से अगर कोई बोलता है तो कोई बोलता है कि मार देंगे, उसका नाली है इसका नाली है, ये हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, अभी तक आप लोग का नहीं हुआ समस्या का, अभी समस्या नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जो है हम लोग फिर डीसी यहाँ आज दिए हैं, एसपी साहब के यहाँ दिए हुए हैं, थाने में दिए हैं, और 3 होटलों बोल दी, तीनों होटल है, तीनों को बोलते हैं को बोले हम नहीं, तीन होटल का समस्या है, प्रशासन को सूचना दिए हैं, प्रशासन साथ ही में